हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बनाएंगे बेसिक वेनिला स्पॉन्ज केक। बहुत ही सॉफ्ट और इजी। देख सकते हैं केक हमारा कितना फ्लफी और स्पॉन्जी है। बहुत ही इजी मेथड से मैं इसे आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना वेनिला स्पॉन्ज केक। वेनिला स्पॉन्ज केक बनाने के लिए हमें चाहिए 4 अंडे रूम टेम्परेचर पे। मेक श्योर अंडे आपके फ्रिज से निकाले हुए ठंडे ना हो। 1 कप मैदा, 1 कप पिसी हुई शक्कर, शक्कर को मैंने पीसने के बाद मेजर किया है, आधा कप तेल, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून यूज करेंगे वेनिला एसेंस। की मिक्सिंग स्टार्ट करने से पहले हम दो चीज़ें करेंगे। एक तो हम मोल्ड को ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मोल्ड लिया है, इसमें बटर पेपर लगाएंगे और इसे ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। मोल्ड को चारों तरफ से और बटर पेपर को भी अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। मोल्ड हमने ग्रीस कर दिया, इसे एक साइड पर रख देंगे। अब हम ओवन को प्री हीट कर लेंगे 180 डिग्रीज पर। हीटिंग स्टार्ट करेंगे। अंडे यहाँ पर मैंने बड़े बोल में ले लिए। मेक श्योर बोल आपका ड्राई एंड क्लीन हो। अब हम अंडों को बीट करेंगे जब तक ये साइज में डबल हो जाए। हाई स्पीड पे अंडे को हम बीट कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अंडों को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया। अब इसमें डालेंगे वेनिला एसेंस, पाउडर्ड शुगर और एक बार फिर से अच्छी तरह से शुगर डिसॉल्व होने तक बीट कर लें। शुगर डिसॉल्व होने तक हमने इसे बीट कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल और 1 मिनट तक बीट करेंगे। ऑयल डाल के 1 मिनट तक बीट करने के बाद अब हम फाइनली इसमें डालेंगे 1 कप छना हुआ मैदा। मैदा मैंने पहले से छान के रखा है। आप अगर चाहें तो मैदा और बेकिंग पाउडर एक साथ भी छान सकते हैं। बेकिंग पाउडर, और अब मैं इसे लो स्पीड पे मिक्स करूंगी। अगर आप चाहें तो कट एंड फोल्ड वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कई लोगों को वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसलिए हम इसे इसी तरह से लो स्पीड पर मिक्स कर लेंगे। इसे हमें ओवर बीट नहीं करना। अब ये ब्लेड्स जो है बीटर के, ये रिमूव करेंगे। डोला की हेल्प से इस तरह से साइड्स इसकी क्लीन कर लेंगे। केक का मिक्सचर अब हमारा रेडी है, इसे हम मोल्ड में पॉर करेंगे। अब मोल्ड को लाइटली टैप करेंगे ताकि एयर बबल्स अगर अंदर हों तो निकल जाए। मोल्ड को हमें पूरा नहीं भरना है, थोड़ी सी जगह हमें छोड़नी है, 3/4 तकरीबन भरना है, ताकि केक हमारा राइज होगा तो उसे राइज होने के लिए स्पेस मिलनी चाहिए। अब हम इसे बेक करेंगे। प्री हीटेड ओवन में तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। अब तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, केक हमारा बेक हो रहा है। देख सकते हैं आप, हल्का सा राइज हो गया है। पूरे 30 मिनट्स के बाद हम इसे चेक करेंगे। 30 मिनट हो चुके हैं, खोल के हम केक को इस तरह से वुडन स्क्रूवर डाल के चेक कर लेंगे। ये क्लीन आया है, ज़रा भी इस पर चिकनाहट नहीं है, इसका मतलब केक हमारा अच्छी तरह से बेक हो गया है। अब मैं इसे ठंडा करूंगी और मोल्ड से बाहर निकालूंगी। केक को ठंडा होने के बाद मैंने अनमोल्ड कर दिया। अब हम इसे कट करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक देना ना भूलें।